हेलो गाइज, मेरा नाम सोनू है और आप देख रहे हैं ट्रू अपडेट। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रिकवरी मोड के बारे में। तो बेसिकली आपने देखा होगा, जब भी हम टीवी को कभी बूट करते हैं तो वहाँ पे डेटा फेल, डेटा करप्ट या बूट फेल के इशू देखने को मिलता है। तो इस टाइप के जो इशू होते हैं, या आपको ये अपने पासवर्ड सेट किया अपनी टीवी में और वो अब भूल चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अभी कॉमेंट आ रहे थे कि मैं जो किड्स मोड आता है पैचवॉल में, उसके पासवर्ड को भूल गया हूँ और उसे रिसेट करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी आप एक साथ कर सकते हैं, हार्ड रिसेट के थ्रू या फैक्ट्री रिसेट भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप हार्ड रिसेट कर लीजिए अपनी टीवी को और ये सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी टीवी को पावर ऑफ करना होगा। तो यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करके रखना है। यहाँ पे आपको पावर ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और ये जो डेमो मैं कर रहा हूँ रेडमी की टीवी पे कर रहा हूँ, आपके पास मी टीवी हो तो उस पर भी ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं आप। जैसे आपकी टीवी यहाँ पे ऑफ हो जाती है, आपको अपना जो पावर प्लग है उसको भी बाहर निकाल देना है बोर्ड से। अब हमें कुछ की कॉम्बिनेशन को प्रेस करना है अपने रिमोट में। तो यहाँ पे गए, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आपको दो बटन प्रेस करने होते हैं, एक तो है बैक वाला बटन और दूसरा है ओके बटन। तो इन दोनों ही बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है अपने टीवी के रिमोट में और आप अपने टीवी को पावर दे देना है। तो जैसे आपने पावर निकाला था, अब आपको उसको प्लग कर देना है बोर्ड में। और ये बटन आपको दोनों ही बटन प्रेस करके रखना है जब तक आपकी टीवी रिकवरी मोड में एंटर नहीं हो जाती। तो यहाँ पे गाइस, जैसे कि देख सकते हो हमने इसे प्रेस करके रखा है और यहाँ पे हमने कोई भी पावर बटन को प्रेस नहीं किया है, टीवी ऑटोमेटिकली आपकी बूट हो जाएगी यहाँ पे देख सकते हो, और ये डायरेक्टली रिकवरी मोड में ही बूट होगी। तो यहाँ पे गाइस, जैसे कि देख सकते हो हमारी टीवी रिकवरी मोड में आ चुकी है। यहाँ पे अगर आप कोई भी फालतू के जो ऑप्शन है उसे आप छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है आपकी टीवी में कोई प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल भी यहाँ पे आप कोई भी दूसरा जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करने की कोशिश मत करिएगा। यहाँ पे गए, जैसे कि देख सकते हो पहला ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है वाइप डेटा स्लैश फैक्ट्री रिसेट। तो इसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, वाइप डेटा स्लैश फैक्ट्री रिसेट, और फिर से यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट पे प्रेस करना है आपको। फैक्ट्री रिसेट हो जाने के बाद गाइज, हमें एक और ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसका नाम है वाइप कैच पार्टीशन। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं वाइप कैच पार्टीशन, दूसरा ऑप्शन कोई भी जो ऑप्शन फालतू के हैं उसमें, अगर आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना वरना आपकी टीवी में प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बाद आपको रिबूट सिस्टम नाउ पे प्रेस करना है और अपनी टीवी को सिंपली रिबूट कर लेना है। और इसके बीच में गाइज, अभी जैसे ही आप रिबूट करोगे तो टीवी आपको थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसके बीच में आपको टीवी को बिल्कुल भी पावर ऑफ या कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपकी टीवी सिंपली आपको होम स्क्रीन पे नॉर्मली जो आपका सेटअप स्क्रीन नहीं जब तक शो करता है। तो बिल्कुल भी छेड़छाड़ करने की यहाँ पर कोशिश मत करना। सो गाइज, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट पेयरिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके बीच में मैंने कुछ जो पार्ट्स हैं उसको कट किए हैं, इस वजह से मेरे आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। तो यहाँ पे आपको 5 से 7 मिनट लग जाते हैं टीवी को यहाँ पे सेटअप होने में, मींस जो बूट टाइम वो 5 से 7 मिनट लग जाता है। यहाँ पे अपना रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया है। बाकी यहाँ पे अपना जो भी एंड्रॉयड सेटअप है उसे आप कर सकते हैं। जहाँ भी स्किप का ऑप्शन देखने को मिलता है वहाँ पर आप इजीली स्किप कर सकते हैं, तो ये मैं स्किप कर देता हूँ। नेटवर्क अपना सेलेक्ट कर लेना है आपको सिंपली, और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पहली बार यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो स्किप का फिर से ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली स्किप करते जाइएगा। यहाँ पे अपने साइन इन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हो, वैसे नॉर्मली मैं स्किप करते जाता हूँ। कंटिन्यू यहाँ पे करना है, अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, फाइनली हमारी टीवी जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये फाइनल सेटअप हो रहा है, यहाँ पे एग्री करना है आपको सिंपली, और यहाँ पे आपकी टीवी बूट हो जाएगी सिंपल मोड में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये था गाइस वीडियो, आई होप आपको ये जो वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।